हेलो एवरीवन, वेलकम। अनफॉर्चुनेटली केके सर आज हमारे बीच नहीं है। हमें सबको पता है केके सर का वॉइस कितना सूदिंग था और उनके गाने का तरीका कितना बेहतरीन था और उनके गाने कितने अच्छे लगते थे सुनने में। केके सर का सिंगिंग स्टाइल कहीं ना कहीं किशोर कुमार जी से इन्फ्लुएंस था और इसको उन्होंने कई बार कहा है। सिर्फ केके सर ही नहीं, कुमार सानू जी का आवाज़ और गाने का तरीका काफ़ी हद तक किशोर कुमार जी से मिलता जुलता था। और किसी सीनियर सिंगर के सिंगिंग स्टाइल से इन्फ्लुएंस होना इज़ फाइन, एट द एंड मैटर यही करता है कि लोगों को क्या पसंद आता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये दो सिंगर्स किशोर कुमार जी के सॉन्ग्स को कैसे गाते हैं और जब उनसे किशोर कुमार जी के स्टाइल को कॉपी करने के बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन क्या था। सो लेट्स फाइंड आउट। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है एक ऐसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब कुमार सानू जी से पूछा गया कि वो किशोर दा के सॉन्ग्स को गा के ही आगे बढ़े हैं और उनके गानों से ही एक तरीके से उनको नेम और फेम मिला है, तो इन सब सवालों का जवाब वो क्या दिए। आप मार्केट में आते हैं, चलो ठीक है, शुरू में किशोर कुमार के गाने गाए और आगे बढ़े, उसके बाद वो जिंक को तोड़ के अपना पहचान बनाना कितना मुश्किल था। देखिए एक बात यह है कि जितना हम जो कुछ भी किए मैक्सिमम हम फॉलो किए, किशोर दा को फॉलो किए डेफिनेटली। ये तो आप ये जानते होंगे अच्छी तरह से कि यहाँ पे जितना भी फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर्स है सारे ने ये काम किए, हर एक, लता जी से लेके मोहम्मद रफ़ी साहब से लेके किशोर दा से लेके मैं, आज बाबुल सुप्रियो मेरा जो क्लोन लोग बोलते हैं उसको, या कोई और जो मेरा स्टाइल अपना रहे, कोई बात, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। इसको खराब या इसको मजाक में लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को ना किसी को फॉलो करके इंडस्ट्री में आए। लता जी नूरजहाँ जी को किए, शुरू वाला गाना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नूरजहाँ जी गाना गा रहे। आशा जी गीता दत्त जी को फॉलो किए तो आप क्या करेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब दुरानी साहब को फॉलो किए, किशोरदा मुकेश जी साइगल साहब को फॉलो किए, मैं किशोरदा को फॉलो किए, आज बाबुल मेरे को फॉलो कर रहा है या कोई और मेरे को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ द कानून है। ये मतलब हमारे पुरखों से चले आ रहा है, ये सब चीज़ होगा ही होगा। एंड दैट इज़ आई थिंक कोई खराब इसमें कोई खराब बात ये बोले कोई कि भाई ये क्यों हो रहा है, उसके जैसा क्यों, उसके जैसा उसको फॉलो करके इंडस्ट्री में आना, फिर अपनापन मिला को उसको अपने आप को अलग करना, दैट इज़ माई या कोई भी कलाकार का इंडिविजुअल टैलेंट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको केके सर के ऊपर और भी वीडियोस देखने हैं तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, मैं उनको एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको केके सर का वो कौन सा क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद है जो आपको उनका फ़ैन बनाता है। देखते हैं लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनमें क्या पसंद करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे केके सर के बारे में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।